हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एमपी कांस्टेबल के लिए मैथ और रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर आए हुए सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। पहले तो मैं मैथ की सीरीज स्टार्ट करने वाला था, पर जब मैं पेपर का एनालिसिस किया तो उसमें देखा कि 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को मिला के ही आ रहे हैं। आउट ऑफ 100, 100 में 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं रीजनिंग और मैथ दोनों के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, सारे क्वेश्चन करूँगा डिस्कस और विद कंसेप्ट करूँगा, जिससे कि आपको अच्छे नंबर गेन कर सके और आप इसको बहुत ही अच्छे समझिए। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा नंबर ले आएँ, अप्रॉक्सीमेट 45 भी नंबर ले आएँ या 45 से ज़्यादा, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ 70 के ऊपर ही जाता है, 70, 75, 72 ऐसे ही रहता है। तो देखिए, आज के हम इस पेपर में 2016 17 जुलाई 2016 के 9 AM वाले शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस पेपर में मैं आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आपको लगे कि और क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ना, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो मैं सीरीज से लिया हुआ हूँ, ये नहीं कि मैंने नंबरिंग नहीं चेंज की, पेपर में जैसे ही था वही नंबर सेम टू सेम लिख कर दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। तो देखिए, इस ये जो निष्कर्ष के बारे में दिया है, तो इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, कंसेप्ट तो आप इसके बारे में सीख लीजिए। देखिए, एक तो आप वेन डायग्राम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है ना, तो आपको वेन डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 10 या 15 सेकेंड में कर लेंगे, सिर्फ देख के ही, आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आप कंसेप्ट आपको सीखना बेहद ज़रूरी है, तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ थोड़ा सा, तो उसमें टाइम लगेगा। देखिए, कंसेप्ट क्या है कि पहला कि मेरा यदि कि स्टेटमेंट, समझिएगा, पहला पॉइंट चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, यदि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन होगा पॉजिटिव होगा, मतलब कि कथन यदि दिया है पॉजिटिव, तो उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। लिखे दे रहा हूँ, कथन यदि पॉजिटिव है तो निष्कर्ष जो होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, यदि मेरा कथन निगेटिव है तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो भी निगेटिव होगा। इस पॉइंट को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और जैसे कि अब पॉजिटिव कथन क्या है, निगेटिव कथन क्या है, आप इस चीज़ को मैं आपको बता, जैसे लिख दिया है यहाँ कि सभी सभी देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं। तो ये जो सेंटेंस हो रहा है, ये हो रहा है पॉजिटिव सेंटेंस। यदि इसी की जगह लिख के आ जाता सभी ए बी नहीं है, तो ये जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको कुछ समझा रहा हूँ, ये पॉइंट आप एक काम कीजिएगा, आप एक कॉपी बना लीजिएगा और जितने भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ सारे कंसेप्ट को आप उस कॉपी में लिखते जाइएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम के समय आपको आराम से रिवीजन कर सके, आपको समय नहीं लगेगा। एक ही जगह पतली सी कॉपी बनाइएगा, सारे कंसेप्ट लिखते जाइएगा। देखिए, ये दो पॉइंट हो गए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपको पहले देख के समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ। सेकंड की अगली की बात करेंगे कि यदि सेंटेंस में आल है, ठीक है, यदि आल का मतलब है सभी, अच्छा यहाँ पता, देखिए सेकेंड में समझिए कि जित सभी यदि दिया हो सेंटेंस, तो मैं उसमें सभी की जगह कुछ कर सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे, अब इस बात को समझिए कि देखिए, मैं इसी सेंटेंस में समझा दे रहा हूँ कि सभी मुश्किल सवाल पहेली हैं। क्या कह रहा कि सभी मुश्किल सवाल पहेली, यदि सभी मुश्किल सवाल पहेली हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ मुश्किल सवाल पहेली हैं, बिल्कुल आसानी से कह सकता हूँ। यदि सभी मुश्किल सवाल पहेली हैं, तो कुछ मुश्किल सवाल भी पहेली होंगे, तो इसीलिए मैं सभी को कुछ लिख सकता हूँ, पर मैं कुछ को सभी नहीं लिख सकता, ठीक है, कुछ को सभी नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूँ और ये नहीं लिख सकता, इस चीज़ को आप समझ लिए, ठीक है। इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस के लिए यदि नो दिया है, तो नो की जगह मैं लिख सकता हूँ सम नॉट, यानी कि कुछ नहीं, सम नॉट, ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख दे, ये नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कुछ नहीं, थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है,
कुछ नहीं लिख सकता। आप इस पॉइंट को समझ गए? ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए और मैं कुछ और ही पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि देखिए, यदि यदि मेरा सेंटेंस में पॉजिटिव लिखा है, देखिए अब मैं कोई सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, देखिए आल ए आर बी, आल ए आर बी, ठीक है। तो ये जो बी है, बी के आगे जो होगा एक हिडन होता है, एक सब छुपा होता है, उसे बोलते हैं कुछ। इस चीज़ को समझना, बी के आगे कुछ छुपा होगा, कुछ शब्द, ठीक है। और यदि ये निगेटिव ही होता है, जैसे हो गया आल ए आर नॉट बी, नॉट बी, तो इसके आगे जो सब सेंटेंस मतलब शब्द छुपा होता है वो होता है नो, इसके आगे नो, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में नो छिपा होता है और पॉजिटिव सेंटेंस में सम छिपा होता है, ठीक है। आप इतना सेंटेंस अगर सीख गए, बस इतना ही पॉइंट आपको सीखना था। यदि आप सीख गए हैं तो देखिए, आप अब मैं आप क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताया दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा और बताया दे रहा हूँ कि देखिए, अब मैं यदि दो दो पॉजिटिव सेंटेंस को मैं जोड़, अब देखिए यहाँ दो अलग अलग शब्द, ये तो सिंपल के लिए होगा कि अगर सिंपल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता तो काम हो जाता, पर यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यदि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से एक कॉमन हो रहा है, जैसे ये कॉमन है और ये पजल कॉमन है, तो मैं इन सेंटेंसों को जोड़ दूंगा। पर जोड़ने की ये कंडीशन है, जोड़ने की कंडीशन वो ये है कि इन दो में से एक, इसमें या इसमें से एक में से आल होना अनिवार्य है। यदि दोनों में से यदि आल हो गया, एक में भी आल हो गया या फिर दोनों में आल हो, तो मैं उन सेंटेंसों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, इस पॉइंट को भी आप समझ गए। अब देखो, अब ये दो सेंटेंस है, यहाँ पास भी पजल दिया हुआ है, देखिए हिंदी में बता रहा हूँ, चलिए यहाँ पास पहली दिया हुआ और यहाँ पास भी पहली दिया हुआ। मैंने क्या बोला, एक में सभी होना चाहिए, इसमें सभी हो या इसमें सभी, इसमें सभी है तो ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगी। अब ये सेंटेंस अगर जुड़ जाएंगे ये कथन में, तो जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा, तो इनको छोड़ के ही निष्कर्ष निकलेगा, इस बात को याद, इनको आप छोड़ देना, हटा देना है। अब देखो निष्कर्ष इनके और इनके बीच में बनेगा। अब जाते हैं अपने निष्कर्ष पे, क्या कह रहा, सभी मुश्किल सवाल नाजुक परिस्थिति हैं, सभी नाजुक सवाल, नाजुक सवाल, देखिए अब देखिए यहाँ पर जी, अब ये पढ़िए, सभी मुश्किल सवाल नाजुक परिस्थिति है, जी हाँ सभी मुश्किल सवाल नाजुक परिस्थिति है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। अगला स्टेटमेंट देखो, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, निष्कर्ष, अगला निष्कर्ष है कि सभी नाजुक परिस्थितियाँ मुश्किल सवाल हैं, सभी नाजुक परिस्थितियाँ मुश्किल सवाल हैं। तो देखते हैं सभी, देखिए यहाँ से अब नाजुक परिस्थितियाँ से हमें चलना है, तो नाजुक परिस्थितियाँ, देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नाजुक परिस्थितियों के आगे मैं क्या जोड़ सकता हूँ, कुछ जोड़ सकता हूँ, कुछ जोड़ सकता हूँ, पर ये क्या कह रहा है, सभी नाजुक परिस्थितियाँ, अगर बोला कुछ नाजुक परिस्थितियाँ मुश्किल सवाल है तो सही हो जाता, पर इसने सभी बोल दिया है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ को सभी नहीं लिख सकते, कुछ को सभी नहीं लिख सकते, यानी कि ये सेंटेंस जो होगा मेरा गलत हो जाएगा। तो मेरा कंक्लूजन जो होगा, निष्कर्ष, सिर्फ पहला ही सही हो जाएगा, तो जो आंसर होगा ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है कि एक बाल रोग विशेषज्ञ 7 बच्चों के विकास का अनुवीक्षण कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, लगभग एक समान, सॉरी एक समय पर एक ही दिन पैदा हुए थे। तो हमें प्रेक्षण दिया हुआ है, बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। यदि एफ एल से लंबा है तो मुझे बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। अब देखो, अब इस ऐसे सेंटेंसों के लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। 7 लोग हैं, ये लगभग एक ही समय पे हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, आप समझिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ये पहला कह रहा है, नो टू चाइल्ड हैव सेम हाइट, इसका मतलब है कि दो लोगों की समान हाइट नहीं है, दो किसी भी दो लोगों की समान हाइट नहीं है, ठीक है, ये अपने दिमाग में रख लिया। अगला पॉइंट में चलना है कि ए इज टॉलर देन जी, ए जो सॉरी ई ई इज टॉलर देन जी, मतलब ई जो है जी से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पहले ई लिख लीजिए, फिर उसके नीचे जी लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाइल जी इज टॉलर देन सी,
जी जो है सी से बड़ा है, तो सी छोटा हो गया जी से, तो सी को नीचे ले लिए, ठीक है। अब अगले में जाएंगे, सी इज टालर देन बी, सी जो है बी से बड़ा है, तो बी सी के नीचे आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि एफ इज टालर देन जी, एफ जो है जी से बड़ा है, एफ जी से बड़ा है, तो देखिए इसके पास दो पोजीशन है, एक तो यहाँ पास हो सकता है, एक ई से भी ऊपर हो सकता है, तो चलो दोनों जगह हम लिख ले रहे हैं एफ को, एफ यहाँ भी हो सकता है और एफ यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट है कि डी इज टॉलर देन एफ, यानी कि डी जो है एफ से बड़ा है, तो देखिए अब जो डी बड़ा है तो डी की पोजीशन यहाँ पास हो सकती है या फिर इस एफ के ऊपर हो सकती है, एफ से तो बड़ा है, यहाँ पास हो सकती है, यहाँ पास होती है, हमें एग्जैक्टली अभी नहीं पता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए यदि एफ जी से बड़ा है, यदि एफ जी से बड़ा है तो कौन सा सही होना चाहिए, तो देखते हैं। तो जी डी से लंबा है, जी जो है डी से लंबा है, तो देख लेते हैं, जी जो है डी से लंबा है, जी यहाँ है और डी यहाँ है, या फिर यहाँ भी है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, जी छोटा है डी से। अगला ई है ए से लंबा है, ई जो है ए से लंबा है, तो ए के बारे में यहाँ पास कोई डिटेल ही नहीं दी गई है, तो आप ये वाले सेंटेंस को कुछ नहीं कर सकते, तो अब इसे हटाना पड़ेगा। देखिए अब अगली बात करेंगे कि डी सी से लंबा है, अब देखो डी जो है सी से लंबा है, सी ये है और डी यहाँ हो सकता है या यहाँ, तो डी और डेफिनेटली सी से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और अगला देख लो, डी इज टॉलर देन डी ए से बड़ा, तो ए की तो पोजीशन हमें नहीं पता, तो ये हम बता ही नहीं सकते। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हमें बताना है रिलेशन में कि देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आए आप क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल नहीं, मेरी बात मानो कि आप क्वेश्चन को पढ़ के टाइम बर्बाद करोगे, उसे मत करना, आप सिर्फ यहाँ पास जाना कि वो पूछा क्या है, सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में पूछा क्या है, ठीक है। तो वहाँ पहुँचो, लिखो यू प्लस डब्ल्यू माइनस बी, ठीक है, यहाँ आप पहुँच गए, इसे लिख लिए, अब ऊपर वाले में जाना, इसे देख के जाना है, ऊपर पढ़ने में ही आप टाइम बर्बाद कर देंगे, वहाँ नहीं जाना। अब देखो यू प्लस डब्ल्यू, अब देखो यू प्लस डब्ल्यू का मतलब हम निकालते हैं, यानी कि प्लस जिसके बीच में वहाँ पहुँचना है। अब देखो यहाँ प्लस के कहाँ है, देखो प्लस ये वाला है, पी प्लस पी, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी जो है क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, तो इसका मतलब ये है कि यू जो हो गया बेटा हो गया डब्ल्यू का, सॉरी बेटा आज क्या हो रहा है, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब अगले पॉइंट देखिए, अब माइनस वाला, तो हम सीधे माइनस में पहुंचेंगे, माइनस का मतलब क्या है, पी क्यू की पत्नी है, यानी कि ये जो होगा ये इसकी पत्नी हो जाएगी। अब देखो ये पत्नी है, वाइफ हो गई, और ये बेटा है, ये उसका पति है, अब हमें बताना क्या है, देखिए यू जो भी है यू के पिता है, भी जो है इसका पति है, तो और इसके अब बेटा है, तो ये ऑब्वियसली इसका पापा हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगले देखते हैं, भी यू का बेटा है, भी नहीं, भी तो बाप है, ये गलत हो गया, भी यू का भाई है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, हमें बताना है कि इसके ये डब्ल्यू जो है के विपरीत फलक क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक बात समझ रहिएगा कि देखिए ये जो होगा ऊपर ऊपर एक छोड़ के जो दूसरा होगा इसके बाद ये होगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, सेम नीचे वाला भी ऐसा ही होगा, ये एक छोड़ के ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो अब कौन कौन बचे, टी और डब्ल्यू बचे, तो टी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, डब्ल्यू का विपरीत तो टी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी मैं, देखिए नॉर्मली आप ऐसे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है, हो सकता है कि आप गलत करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी एक कंसेप्ट है कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें तर्क की दृष्टि से बताना है, यदि क्वेश्चन में, समझ रहे हो, यदि क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हो, ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हो,
तो हम उसे निगेटिव कर देंगे, और यदि निगेटिव दिया हो तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, दोनों वर्ल्ड कप, तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। देखो यहाँ कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है कि हिंदी में बता दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ने वर्ल्ड कप, तो इसे पहला मान लो और इसे दूसरा मान लो। अब क्या करना है कि जो हमारा आंसर होगा तो दूसरा पहले पहले करना पड़ेगा, दूसरा सेंटेंस जो उसे पहले कर देंगे और जो पहला वाला उसे उसके पीछे दूसरे में कर देंगे। और यदि सेंटेंस में और लिखा है, और लिखा है तो और की जगह वैसे ही करेंगे हम, ठीक है, और यदि आ गया तो उसकी जगह मुझे या लिख देना है, ठीक है, और की जगह मुझे या लिखना है, दूसरे वाले को पहले में कर देना, पहले को दूसरे कर देना है, और निगेटिव के साथ जोड़ देना, तो ठीक है। अब देखो आंसर में पहुंचेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और श्रीलंका ने, तो देखो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पहले आ गया ऑस्ट्रेलिया, मैंने बोला पहले वाले को दूसरे करना, तो ये तो सिंपल सा गलत हो। अब यहाँ देखते, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, ये भी गलत हो जाएगा। देखो निगेटिव तो है, निगेटिव तो मुझे चाहिए, निगेटिव होगा, लेकिन पहला वाला जो होगा वो दूसरे में जाएगा, दूसरा वाला पहले में आएगा, और की जगह या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, या फिर श्रीलंका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, समझ रहे इस बात को, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप, तो देखो जब भी और वाला आ रहा है तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि जब और वाला आता है, ठीक है, और वाला जब आएगा तो और अगर बीच में आ रहा है तो पहले वालों को पहले ही लिखना है, सॉरी इसके लिए पहले वालों को पहले ही लिख लेना है और दूसरे वाले को दूसरा लिखना है और बीच में नहीं कर देना है। यदि और आ रहा है, यदि और नहीं आ रहा तो के लिए वो करना है जो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले को दूसरा, दूसरा को पहला। तो देखिए नॉट है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है, और की जगह यह आ गया और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 12वां नंबर क्वेश्चन कि देखिए ये दिया हुआ है, ये पजल का क्वेश्चन, देखिए पजल के क्वेश्चन जो होते सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पजल का ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, आपको इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बस स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, यदि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो मुश्किल है। तो ये देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक लाइन है उसमें पांच व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो हम पांच व्यक्ति के लिए एक लाइन बना देंगे, देखा एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति और ये पांच व्यक्ति, ठीक है। अब क्वेश्चन पहुंचो, देखो चरम छोर पर दो व्यक्ति हैं, इनकी किनारे जो हैं दो व्यक्ति बैठे हैं जिनमें से बुद्धिमान है तथा दूसरा मोटा, एक बुद्धिमान है दूसरा मोटा है, ठीक है, आगे बढ़ो, तो एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाहिने बैठा, तो देखो यहाँ पास बुद्धिमान हो सकता है, देखिए ऊपर ही बोला है बुद्धिमान और मोटा किनारे पे बैठे हैं, यहाँ पास बुद्धिमान हो सकता है, यहाँ पास मोटा हो सकता है, या फिर यहाँ पास मोटा हो सकता है और यहाँ पास बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो उसने कहा कि एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाहिने बैठा है, यानी कि जो बीच में लोग बैठ रहे हैं तो मोटा जो होगा उसके दाहिने बैठेगा, तो यहाँ पास भी कोई बैठेगा तो दाहिने इसका होगा, यहाँ पास भी कोई बैठेगा तो दाहिना इसका इधर होगा और यहाँ भी बैठेगा तो दाहिना इधर होगा, तो मोटा व्यक्ति की फिक्स हो गया कि मोटा जो है यहीं पास बैठेगा, यदि मोटा यहाँ पास बैठ गया तो यहाँ पास बुद्धिमान की भी फिक्स हो गई डेट, वो मतलब जगह, तो यहाँ बुद्धिमान हो गया, यहाँ मोटा हो गया। अब जो कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति बीच में बैठा है, ठीक है, इन यहाँ पास भी हो सकता है, यहाँ पास भी और यहाँ पास भी। अब आगे पढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है कि एक लंबा व्यक्ति मोटे व्यक्ति के बाएं बैठा है, लंबा व्यक्ति मोटे व्यक्ति के बाएं, ठीक है, तो मोटा है, मोटा का बाएं इधर हो गया, यानी कि यहाँ पास जो हो गया लंबा व्यक्ति बैठा दिया, यहाँ पास लंबा व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे कह रहा है कमजोर व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति और मोटे व्यक्ति के बीच में है, ये मोटा व्यक्ति ये बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों के बीच में, यानी ये यहाँ जो होगा यहाँ कमजोर व्यक्ति हो गया,
यदि यहाँ पास कमजोर व्यक्ति हो गया, अब एक एक जगह बची है, एक जगह कौन रह गया? अब देखिए, एक जगह के बारे में बोला नहीं, देखिए एक जगह के यहाँ पास बची हुई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यदि गोरा व्यक्ति मोटा व्यक्ति, अच्छा देखिए अब यहाँ गोरा कह दिया है, तो यानी कि यहाँ पास गोरा व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये गोरी लिख गया, सॉरी गोरा। अब क्या कह रहा है, गोरा व्यक्ति और मोटा व्यक्ति जो है अपने स्थानों को बदल देते हैं। गोरा बदल देगा यानी कि ये जो गोरा है यहाँ आ जाएगा और मोटा जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये गोरा हो गया और मोटा जी यहाँ पहुँच गए हैं, मोटा व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ गोरा यहाँ मोटा, आगे क्या कह रहे हैं, तथा लंबा और कमजोर व्यक्ति अपना स्थान बदल देते, ये लंबा था और ये कमजोर था, तो कमजोर इधर आ गया, लंबा इधर आ गया। तो हमें बताना है कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है, कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है भैया, हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ गोरा है, ये मोटा है, ये कमजोर है और ये लंबा है, तो कमजोर के बगल में कौन सा बैठा है, ये हो जाएगा लंबा व्यक्ति, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ये लंबा व्यक्ति, कमजोर के बगल में लंबा ही तो आया, तो लंबा व्यक्ति है टाल, हाँ यहाँ लंबा व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ लंबा हो गया, ठीक है। बाई बोला है, दाहिनी बोला है, इस बात को याद रखना कमजोर व्यक्ति के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, पर अगर आपको कंसेप्ट बाई कम सीख लिए ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, एग्जाम में नंबर दे के जाएंगे। अब देखो ये, देखिए ये क्वेश्चन आ गया वैसा, जो मैं इसके पहले बता रहा था ना कि पहले को दूसरा करना, ये वैसा है। तो देखो अब ऐसे सेंटेंस में क्या है कि मैं बताया था ना, पहले को दूसरा करना है, दूसरे को पहला कर देना। अब दोनों सेंटेंस जो हैं पॉजिटिव हैं, आज शनिवार है तो कल रविवार है, दोनों ये पहला मान लो और ये दूसरा मान लो, ठीक है। तो दूसरे वाले को मुझे पहले में कर देना है, तो दूसरे वाले को मैं पहले करूँगा और बीच में निगेटिव के साथ होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव के साथ जुड़े हुए, पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ हो जाएंगे। तो देखो तो कल रविवार नहीं है, यहाँ पास होना चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ है ऐसा, देखो यहाँ अगर आज शनिवार है तो ये देखो पहले पहला पहला नहीं करना, मुझे दूसरे को पहले मिलाना है, तो यहाँ पास आया हुआ है दूसरा वाला। तो आज अगर कल रविवार है, देखो मैंने बोला था कल रविवार है तो यहाँ निगेटिव होना, कल रविवार नहीं है, तो अगले क्वेश्चन में जाएंगे, कल रविवार नहीं है, बिल्कुल सही, तो आज शनिवार नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, दोनों निगेटिव हो गए, दूसरा वाला पहले आ गया, पहले वाला दूसरा आ गया, यानी कि पहले जो था वो बाद में चला गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें है वेन डायग्राम दिया हुआ है और इनके बारे में दिया है कि ये जो है, देखिए जो आकृति दिया हुआ, वृत्त जो है, गोला जो है दिया हुआ है, किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर है कॉलेज का, ठीक है, और कहते हैं त्रिभुज जो है, त्रिकोण जो है वो बताता है विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ, ठीक है, और जो है आयत जो है आयु विज्ञान बताया, आयत जो है आर्य विज्ञान, ठीक है, विज्ञान इतना है, इस चीज़ को देख लो और फिर आप सीधे आंसर पहुंचोगे। बी किस चीज़ को प्रस्तुत करता है, बी किस चीज़ को प्रस्तुत करना कर रहा है, देखिए बी यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है, बी दोनों जगह है और बी किस में है, आयत में है, सिर्फ और सिर्फ आयत में है, तो आयत क्या है, आयत को क्या बताया है, आर्य विज्ञान बताया है। तो देखिए अब इसके लिए हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन क्या कह रहा है कि देखिए पहला ऑप्शन प्रोफेसर जो ना तो आर्य विज्ञान है चिकित्सक है और ना तो शल्य चिकित्सक है, तो बी जो है, देखो बी जो है वो प्रोफेसर नहीं है, पहली बात तो ये तो गलत ही हो गया। अगले की बात करें, प्रोफेसर जो शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ नहीं है, प्रोफेसर जो शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात कर, ये प्रोफेसर था, बी जो है बी सिर्फ आ रहा है आर्य, आर्यु चिकित्सक में आ रहा है, बी आ रहा है आर्यु चिकित्सक में आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा अपना, तो ये सही हो जाएगा, प्रोफेसर हु आर नॉट सर्जिकल स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर जो शल्य चिकित्सक नहीं है,
एक मिनट, देखिए मैंने क्या बताया, त्रिभुज को मैंने बताया था ना, ये आर यू आर यू आर बी के जिससे जो प्रोफेशन नहीं है ना, देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नहीं होगा सी होगा। देखिए ये जो है आर्य विज्ञान चिकित्सक है, ठीक है, तो ये सिर्फ आर्य विज्ञान चिकित्सक है जो कि ना तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ये हो गया, प्रोफेसर ये हो गया, और ना ही तो शल्य चिकित्सक यानी कि ये हो गया, तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये देखिए फिर पजल का क्वेश्चन आ गया। आप देखिए पजल के क्वेश्चन को मैं आपसे जरूर कहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप पजल के क्वेश्चन पर डे 2 से 3 लगाओ। इसके लिए आपको मैं साइट बता दे रहा हूँ, अब बैंगर्स अड्डा कि आप खोलिएगा, वहाँ पर पजल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पजल उठा लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा। पर डे 1-2 पजल भी करोगे ना तो पजल में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत लगा दोगे, ठीक है। तो चलिए हम अब इसके बारे में करते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ABCDEF एक क्लब के सदस्य हैं, ये सारे जो हैं एक ही क्लब में काम करते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्या कह रहा है, इस समूह में जो ABCD हैं, दो विवाहित जोड़े हैं। दो विवाहित जोड़े का मतलब क्या है, का मतलब चार लोग हैं शादीशुदा, ठीक है, चार लोग शादीशुदा, कितने में, 6 में। तो 2 लोग अभी बच रहे हैं, अभी 2 लोग बच गए हैं, ठीक है, 4 तो हट गए, इन्हें हमें किनारे कर देना, इनसे अभी मतलब नहीं है, ठीक है, साइड में कर दो। अब 2 लोग बचे हैं, अब 2 लोग के बारे के आगे देखिए क्या कह रहा है कि कहाँ पहुँचा। ए जो है डी के पति का भाई है, ए जो होगा डी के, ये डी जो है के पति का भाई, डी यानी कि लेडीज हो गई, और इसका कोई पति होगा उसका भाई है डी, ये सॉरी ये पति कुछ भी है हमें नहीं पता, इसका नाम नहीं दिया, इसके पति का भाई है ये, ठीक है। अगला देखो, ए जो है, सी जो है ऑल इंडिया वर्किंग वुमेन एसोसिएशन की अध्यक्षता है, ठीक है, तो ये सी भी एक लेडीज है, साइड पे रख दो, इससे कोई रिलेशन बन नहीं रहा। आगे चलेंगे, एफ एक सितार वादक है पर कुंवारा है, ठीक है, तो यहाँ पास एक मिल गया कि एफ जो है वो कुंवारा है, कुंवारा, ठीक है। और एक बात और सुनिएगा, आप स्टार्ट करने से पहले एक बार यहाँ जरूर चले जाइए क्वेश्चन के लास्ट में, और ये जान लीजिए क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में जाना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले तो देख लो पूछ क्या रहा है। हमें बताना कितने अविवाहित पुरुष हैं, एक तो हमें मिल गया। आगे देखो चलते हैं कि बी की पत्नी, बी जो है, बी जो शादीशुदा है उसकी पत्नी सदस्य नहीं है। देखो यहीं से काम खत्म हो गया, 4 लोग पहले मिल गए थे, 1 लोग कुंवारा मिल गया, और बी जो है बी भी शादीशुदा है क्योंकि इसकी पत्नी जो है सदस्य बाहर बाहर है, तो अपने पास सिर्फ कुंवारा कितना हो गया, एक ही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ पहले नंबर क्वेश्चन पे, जो आज का पहला क्वेश्चन बताया हूँ वो क्वेश्चन बता। अब देखो मैं बताया था कि आप 10 से 5 सेकंड में कर लेंगे, देखो कैसे कर रहे हो, मैंने कहा था तो आप देखो पहले सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, जी हाँ पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके बाद पहले जो छिपा होता है वो कुछ छिपा होता है, इसके पहले भी कुछ छुपा होगा, ठीक है, कुछ कुल लिख जा रहा है कुछ। अब देखो अब मुझे सेंटेंस जोड़ना है, जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो ये रीडर है, रीडर और रीडर 2 चीज़ का मिलना जरूरी, तभी मैं जोड़ पाऊंगा, यहाँ रीडर है और यहाँ रीडर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा, रीडर रीडर अब जुड़ जाएंगे, अब जुड़ेंगे कि जुड़ने के लिए भी एक कंडीशन थी कि कम से कम एक में आल तो होना चाहिए, एक में सभी होना चाहिए, तो एक में देखिए, अरे आपको हिंदी में बता दें, एक में सभी होना चाहिए, एक पाठक ये पाठक, देखिए इसमें सभी है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो ये निष्कर्ष में नहीं आएंगे, हटा दो इन दोनों को, अब मेरे पास ये बचे, अब जाके निष्कर्ष देखते, सभी पाठक लेखक हैं, पाठक से चलना है, सभी पाठक सॉरी पाठक तो यहाँ, सभी पाठक लेखक, पर पाठक तो सेंटेंस से हमारा हट गया, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा जो निष्कर्ष है। अगले में चलना, सभी लेखक कवि हैं, सभी लेखक यहाँ से चले, सभी लेखक कवि हैं, बिल्कुल सही हो गया ये, तो ये निष्कर्ष सेकंड मेरा सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष जल्द, देखा ना कितनी आसानी से, तो मैं आपको समझाया था इसलिए 15-20 सेकंड, आप तो बिल्कुल देखते ही कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा
तो उसमें आगे की क्वेश्चन करूंगा 10 या अधिक। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं क्वेश्चन बढ़ाऊं या इतने ही रखने दूं। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन बताए हुए हैं और मैं मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सेट बाय सेट कराऊंगा। ये सेट को पूरा होने में कम से कम टाइम लगेगा। अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 60 क्वेश्चन तो लगभग आ ही रहे हैं पेपर में, और 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे 6 वीडियो तो लग ही जाएगी अगर मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट में ये बोलेंगे मैं 15 क्वेश्चन बताऊं तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप तैयारी पर लग जाइए कॉन्स्टेबल की, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। अब चुनाव तो आ गए, उसके बाद ही पेपर होगा, पर लगे रहिए तभी कुछ होगा।